राम राम शाह। राम राम शाह। तो सौंफ की खेती कर रहे हो? हाँ, सौंफ की खेती। अच्छा, काय नाम आपको? उम्मीद राम मेघवाले से, बचवार। अच्छा, गांव बचवारी है। तो सौंफ की खेती करवा वास्ते जहाँ खेत किया तैयार करना चाहिए, सब पहली पेल पोत तीन निकाल दें। अच्छा, बी के बाद में जेन मोटा डगला पड़े रोटर निकाल दें। रोटावेटर निकाल वो डगला फूट जाए, डगला फूट जाए, समतल हो जाए। अच्छा अच्छा, फिर ज़्यादा नहीं वेजन डबल हेरों में सेट। अच्छा, हेराओं सेट हो जाए। अच्छा, बी के बाद में जहाँ बीज किया छांटे? पचे बी के मायने बीज छांट, बीज अच्छा ये। हाँ जे ना मैं हाथों आप खाद छांटा चाहिए, बीज छांट दे। अच्छा, बीज छांट दियो। हाँ, अनुमान देख लियो कि भाई 10 बीघा है, 10 बीघा में किला के बीघा में 2 किलो या 2.25 किलो। अच्छा, 2.25 किलो बीज पड़े सौंप को, है ना? सौंप को। अच्छा, छांट दियो बीज बाद में। बीज छांट रख, टायर मांडे तो टायर मांड देनी हल्क हल्को रोटर। अच्छा, रोटावेटर फेर जियो, ट्रैक्टर ने खाली फेर जियो, खाली फेर। बीज है जो थोड़ी या मिट्टी में नीचा। हाँ, मिट्टी दब जाओ, बराबर दब जाए, कम बेसी नहीं आओगे। अरे छांटोड़ी है ना? हाँ, छांटोड़ी है सर। अच्छा, छांटोड़ी, लेकिन बीज कटी दिखे कौन है ना? बीज दिखे है कौन? हाँ, बीज दबी ओड़ा है मतलब, है ना? दब को। अच्छा, बीज छांट दियो, बीज के बाद में? बीज के बाद के मायने टुंटिया लगा दें लाइन। अच्छा, फुहारो लगा दियो। कता घंटा चलाओ फुहारो? दो दो बार ली तो चला, ढाई ढाई घंटा। अच्छा, मायने चलाऊ दो दो घंटा, मतलब बारली माइन लिखिया डोरा किनर। अच्छा अच्छा, माठ वाली ना? हाँ हाँ, और ढाई घंटा चला गया। हाँ हाँ, पिछले दो घंटा चला। अच्छा, दो घंटा चला दी। बीक बाद में दोबारा सिंचाई कद करनी? सिंचाई अब आज ने पाची सौ पे 5 महीने छठे दिन आधा आधा घंटा को पड़ क्यों दे। अच्छा, 5 में 6 दिन उगे भी टाइम आधा आधा घंटा को पड़ क्यों दे। अंकुरित होगी। हाँ हाँ, बीक बाद में पाच कहीं ऊपर जमीन बंद है। अच्छा अच्छा, तो सौंप में कुल कति सिंचाई करनी पड़े? सौंप में तो गवा जितनी सिंचाई हुए 10-11 हो जावे। अच्छा, 10-11 सिंचाई हो जा, क्योंकि लगभग अप्रैल मई तक चाले समझो। हाँ, तो लंबी लंबी चाले, अप्रैल लास्ट तक चाले, है ना? तो 6-7-8 सिंचाई तो मिनिमम करनी पड़े। हाँ, 10 भी हो जावे। अच्छा, 10 भी हो जावे। अच्छा, तो सौंप को जी हाईएस्ट उत्पादन का तो हुआ, अगर जमीन बढ़िया हुए तो? चौकी वजन 8 क्विंटल है, नहीं 4 क्विंटल या 5 क्विंटल तक। 4-5 क्विंटल हो जाए। अच्छा, खेत में जी हाँ, खाद वाद का हिसाब जो चीज़ है? खाद तो डी ए पी तो नागा सर 2.5-3 बीघा के हिसाब कट्टो। अच्छा, 2.5-3 बीघा में 1 कट्टो डाल दियो। और वो जो वो यूरिया जो कुछ नागिया में बीघे कट्टो। अच्छा, यूरिया अलग अलग टाइम में प्रति बीघा 1 कट्टो डाल जाए। पौधा की हाइट है ना, कम है तो वो नाग दिया। अच्छा, 3-4 बार डालता रहो, सिंचाई करे जो डालता रहो। अच्छा अच्छा, और गोबर खाद? गोबर खाद तो जैने घर को खेत जगह तो ना गई है, बाकी जगह पैसा हूँ लेवा ना। हाँ हाँ, डेमेज गोबर ना के दे। अच्छा, तो सौंप की खेती आपने रेतीली मिट्टी में उजावे? उजावे जी, मान लीजिए जैसलमेर है, चूरू है, सब जगह जट है। हाँ, रेतीली मिट्टी है, पट्टे भी उजावे ना। अच्छा, इनमें कोई बीमारी वगैरह आवे सौंप में? सौंप में तो ज़्यादा अगर छाछा की बीमारी और क्यों नहीं आती छाछा की। अच्छा, बी वास्ते दवाई डाल दो? हाँ, बी वास्ते दवाई डाल दो। पहली बात तो फुहारा हूँ आवे ही कौन। अच्छा, फुहारा आवे ही कौन? धुपती रहे। अच्छा, सौंप को जी हाँ, बीज की वेराइटी किसी रहे? बीज की तो मैं तो ज़्यादा मंगलम पाया था। मंगलम? अच्छा, मंगलम को हाईएस्ट उत्पादन का तो यू होता है आज तक आस पास? प्रति 4 क्विंटल दे। 4 क्विंटल प्रति बीघा। अच्छा, आपने क्षेत्र में मंगलम को उपयोग करे? हाँ। अच्छा, भाव कहीं बिके? भाव तो लावली साल तो 13-14 हज़ार। 13-14 हज़ार जरन भाव बढ़िया रहेगा? अभी तो 16 हज़ार है। 16 हज़ार है जरन तो भाव बढ़िया रहे। 4 क्विंटल हुए जर देखो, काफ़ी अच्छा उत्पादन हो जाए है भाई। मिनिमम 12-13 हज़ार है तो 12-48-50 हज़ार ही बीघा एक मायने उत्पादन हो जाए। 10 हज़ार हुए तो 40 हज़ार तो नॉर्मल है। हाँ, 40 हज़ार को जाए। और खर्चा के हिसाब देखा तो बीघा का 10 हज़ार पकड़ लियो। खर्चो तो इनमें घनी कहीं है कि देखो, एक बार पहली को तो 2-3 सिंचाई करनी है। ठीक है, बाद में निंदाण काट देवे वो, ठीक है, बाद में तो कपास खपतवार होनी बोल दे। अच्छा, हाइट ले लिए 5-6 फीट तक बढ़े है ना? हाँ, 4-5 फीट तक ही बढ़े जर खरपतवार हुए ही कौन। तो देखो, आप 10 हज़ार खर्चो पकड़ा तो 30 हज़ार ही बीघा को उत्पादन हो जावे, तो बढ़िया उत्पादन ही है। अच्छा, और सौंप की खेती में कोई समस्या आवेगी? कोई समस्या को ना हो। कोई समस्या को ना। जानवर तो खावी है? जानवर खावे को नहीं, कच्ची वजह से खावे को नहीं, बाकी जो दूध धान पाक ठीक सा। राम राम सा।